हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन जोजी मास्टर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है ऑनर 8X पर, क्योंकि ऑनर 8X में जो है एंड्रॉयड पाई तो दोस्तों रिलीज हो चुका है, स्टेबल अपडेट भी जो है आ चुका है, मुझे ही मिल गया है दोस्तों। और बहुत सारे लोगों के जो है कमेंट्स भी आए हैं कि हमें जो है ऑनर 8X में एंड्रॉयड पाई का जो स्टेबल अपडेट है वो मिल चुका है। अब दोस्तों, EMUI 9.1 का जो बीटा का वर्जन है वो जो है ऑनर 8X में स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको लेके चलूंगा मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको बताऊंगा किन मॉडल्स में जो है ऑनर 8X के किन मॉडल्स में जो है आपको EMUI 9.1 का जो है बीटा अपडेट जो है देखने को मिलेगा, और कैसे जो है आप इसको अपनी बीटा की रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। जस्ट आपने एक ऐप डाउनलोड करना है, मैं आपको लेके चलूंगा मोबाइल की स्क्रीन पर और सारा जो है मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब करके सामने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं अपडेट के हवाले से कोई वीडियो भी अपलोड करूं उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑनर 8X जो है अभी जो है इसमें एंड्रॉयड पाई का स्टेबल अपडेट जो है वर्जन रन कर रहा है, लेकिन EMUI 9.1 का जो इसमें स्टेबल अपडेट है वो इतनी जल्दी नहीं आएगा, वो आपको थोड़ा डिले मिलेगा। लेकिन बीटा का वर्जन इसमें जो है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं दिखाता हूँ कैसे जो है किन मॉडल्स में आपको देखने को मिलेगा और कैसे जो है आप अपनी बीटा की इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं EMUI 9.1 बीटा नाउ अवेलेबल फॉर ऑनर 9, ऑनर V9 एंड ऑनर 8X। ऑनर 8X में दोस्तों हमें जो है एंड्रॉयड वेरिएंट बीटा का जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो इसके मॉडल्स हैं, ऑनर 8X में भी जो मॉडल्स आ रहे हैं उनमें जो है हमें ये उन्होंने साथ में मैंशन भी किए हुए हैं, इन मॉडल्स में हमें जो है देखने को मिलेगा। तो बीटा का जो दोस्तों EMUI 9.1 है वो अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जो है आप अपनी बीटा की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जस्ट आपने दोस्तों, मैं इस वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ से आपने जो है डाउनलोड कर देना है, डाउनलोड पर क्लिक करना है, बीटा का ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ से आपने जो है जस्ट लॉग इन कर देना है। लॉग इन करने के बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपने जो है ज्वाइन प्रोजेक्ट पर जो है क्लिक कर देना है। ज्वाइन प्रोजेक्ट में जब भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दोस्तों सामने जो है अवेलेबल प्रोजेक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जस्ट आपने उस पर क्लिक करके जो है उसको कर देना है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों, आपको जो है बीटा का जो है अपडेट इसमें मिल जाएगा EMUI 9.1। तो ये अब आवे की दोस्तों जो है ऑफिशियल साइट है, उन्होंने खुद जो है अपनी इसका ऐप दिया हुआ है कि आप जो है अपनी बीटा की रजिस्ट्रेशन यहां से करवा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा जो है प्रोसेस नहीं है। आपने देखा बहुत ही इजी और सिंपल सा तरीका है, जस्ट आपने जो है ऐप डाउनलोड करना है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा देनी है। मैंने आपको जो है दोस्तों इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहां से जो है चेक कर सकते हैं कि किन मॉडल्स को जो है EMUI 9.1 जो है ऑनर 8X में जो है देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, ओके, गुड बाय।